ആരാധന നിരജീവൻ ചടാനേ, മിൽക്കർ ഹംസബ് ആയേ, പ്രഭുജി തേരെ ചരണോ മേ. ആരാധന ആരാധന മീരാ ജീവൻ ചടാനേ, മിൽക്കർ ഹംസബ് ആയേ, പ്രഭുജി തേരെ ചരണോ മേ. ദൂതഗണോ കെ സ്തുതി ഗീതോ സേ സ്വര ഹമിലാതെ ഹേ, ദൂതഗണോ കെ സ്തുതി ഗീതോ സേ സ്വര ഹമിലാതെ ഹേ. ഗായേ നിരന്തർ ജയ ജയ കാൻ പ്രഭു തേരി ജയ ജയ കാൻ. ഗായേ നിരന്തർ ജയ ജയ കാൻ പ്രഭു തേരി ജയ ജയ കാൻ. ആരാധന ആരാധന മീരാ ജീവൻ ചടാനേ, മിൽക്കര് ഹംസബ് ആയേ, പ്രഭുജി തേരെ ചരണോ മേ. പ്യാസ ഭരേസ് തൻ മന മേരേ, ആജാവോ മേരേ പ്രാൺ. പ്യാസ ഭരേസ് തൻ മന മേരേ, ആജാവോ മേരേ പ്രാൺ. ഗായേ നിരന്തർ ജയ ജയ കാൻ പ്രഭു തേരി ജയ ജയ കാൻ. ഗായേ നിരന്തർ ജയ ജയ കാൻ പ്രഭു തേരി ജയ ജയ കാൻ. ആരാധന ആരാധന മീരാ ജീവൻ ചടാനേ, മിൽക്കർ ഹംസബ് ആയേ, പ്രഭുജി തേരെ ചരണോ മേ. പ്രഭുജി തേരെ ചരണോ മേ. പ്രഭുജി തേരെ ചരണോ മേ. പരമപ്രസാദമേ ഉപസ്ഥിത പ്രഭു യേശു മസീഹ്, ഹം തേരി ആരാധന കർത്തേ ഹേ, ഹം ആപ്കി സ്തുതി കർത്തേ ഹേ, ഓർ ഹം ആപ്കി മഹിമ ഗാതേ ഹേ. യേ പ്രഭു യേശു മസീഹ്, ആപ്സി ഇസ് പവിത്ര റോട്ടി മേ സച്ചുമുച്ച് മേ ഉപസ്ഥിത ഹേ. ആപ് ജീവിത പ്രഭു ഹേ. പ്രഭു ഹം ആപ്കി ആരാധന കർത്തേ ഹേ. സാരേ സ്വർഗവാസിയോ കെ സാത്ത്, സഭീ സ്വർഗദൂതോ കെ സാത്ത്, മാനവ ജാതി കെ സാത്ത്, സാരി സൃഷ്ടി കെ സാത്ത്, സാരേ വിശ്വമണ്ഡൽ കെ സാത്ത്, പ്രഭു ആപ്കി സ്തുതി ഹോ, ആപ്കി മഹിമ ഹോ, ആപ്കി ആരാധന ഹോ. ആജ് കെ ദിൻ പ്രഭു ഹം ആപ്കി അപാർ പ്രേം का मनन करते हैं. ये परम प्रसाद आपकी प्रेम, आपका प्रेम का उदाहरण है. आप इमानुएल हैं, ईश्वर इंसान के साथ. हाँ प्रभु, आप मनुष्यों के साथ रहना चाहते हैं. हमारे जीवन काल में नहीं,
संसार के अंत तक हमारे साथ रहने की इच्छा से आपने परम प्रसाद की स्थापना की। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आज के दिन आपकी अंतिम घड़ी के समय के मनन करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। ये प्राण प्रिय प्रभु यीशु हमें स्वर्ग ले जाने के लिए दो धरती पर आया। हमें पूर्ण जीवन देने के लिए तूने अपना जीवन बलि चढ़ाया। अपने क्रूस मरण द्वारा तूने हमारे लिए स्वर्ग द्वार खोल दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। गदसमेन बाग में प्रारंभ हुआ तेरा पीड़ा सगन कलवारी की चोटी पर ही समाप्त हुआ। निंदा सूचक क्रूस तेरे पवित्र लघु से महिमान्वित हो गया। ये प्रभु अंतिम ब्यालू की उस पवित्र कोठरी में तूने अपने प्रिय शिष्यों से अपने अंतरंग की बातें कही। दुख भरी उस रात्रि में तू अपना बपतिस्मा, जिसकी तू बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था, ग्रहण करने लगा। ये प्रभु मुक्ति प्रदायक तेरे दुख भोग का मनन चिंतन करते हुए कुछ समय तेरे साथ रहने की कृपा हमें प्रदान कर, हमें आशीष दे प्रभु। ये प्रभु आज हम आत्मना उस कोठरी में प्रवेश कर रहे हैं जगह हम प्रभु येसु अपने शिष्यों के साथ पास्का मनाने बैठे हुए हैं। कुछ अनहोनी जल्द ही घटित होने के डर से शिष्यों के चेहरे उदास और म्लान है। प्रभु गंभीर है, फिर भी उनके भाव और शब्दों में प्रेम और करुणा भरी हुई है। वे जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे अब एक संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को इस संसार में थे, प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे प्रात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पूछने लगे। शिष्य एक समझ नहीं पा रहे थे कि गुरु क्या करने वाले हैं। कुछ आपस में पूछने की भी साहस नहीं हुआ। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो। यदि मैं तुम्हारे गुरु और प्रभु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे का पैर धोने चाहिए। प्रभु आपने हमको सेवा भाव का महत्व समझाया। उसके बाद प्रभु परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। अपने शिष्यों को अपनी पुरोहिताई में भागीदार बनाते हैं। गुरु और शिष्यों के बीच का रिश्ता वे इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूं
वही बहुत फल उत्पन्न करता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु अपने शिष्यों एवं अनुगामियों के आपसी संबंध को व्यवस्थापित करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार मैंने लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। शिष्य बनने का महत्व प्रभु इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। लेकिन फल उत्पन्न करना आसान कार्य नहीं है, अतः प्रभु शिष्यों को सावधान करते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया, पर समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। लेकिन प्रभु ने आश्वासन देते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक सत्य का आत्मा प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अतः मैं प्रभु अपनी आगे ऊपर उठाकर बोले, पिता वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमानित कर जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया, इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। उस अंतिम समय में प्रभु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलते हैं, उनके संबंध में वे पिता से कहते हैं, परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहे। तूने बुराई से बचा और सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। इस प्रकार अपने शिष्यों को पिता को समर्पित करने के बाद प्रभु उनके साथ वहां से निकले और केद्रोन नाले के उस पार गदस्मिन बाग पहुंचे। सारा वातावरण दुखमय था। हम शिष्यों को देख रहे हैं प्रभु, उनके मन में भय और आशंका, प्रभु ने अपने मन की व्यथा उनसे छिपाई नहीं। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने पर हूं, तुम यहां टकर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। इतना कहकर वे कुछ आगे बढ़े और मुंह के बल गिरकर अपने पिता से प्रार्थना करने लगे। हजारों वर्षों से मनुष्य उस प्रतिज्ञात मसीह की बाट
जोत गए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वह प्रतीक्षा प्रबल होती रही, लेकिन जब प्रतीक्षा पूरी हुई, जब वह मसीह का संसार में अवतरित हुआ, उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। जब वह नासरत में पलकर बड़ा हो रहा था, किसी ने उसे नहीं पहचाना। जब वह जीवनदायी नई शिक्षा देने लगा, लोगों ने उसका तिरस्कार किया गया, अधिकारियों ने उसे क्रूस पर लटकाया। वह अपने यहाँ आया, लेकिन उसके अपनों ने नहीं अपनाया। तेरे प्रेम में हे प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। तेरे प्रेम में हे प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। तुझे धन्य पुकारूं सदा, जीवन तुझे कुर्बान। तेरे प्रेम में हे प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। रोटी का रूप लिए दिल में आया, पाप का अंधेरा मिटा दिया। रोटी का रूप लिए दिल में आया, पाप का अंधेरा मिटा दिया। स्वर्गीय ज्योति से रोशन किया, प्यासे मुझे तूने अपना लिया। तेरे प्रेम में है प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। तेरे प्रेम में है प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। तूने मुझे दी ये जिंदगी, इसलिए हूँ मैं तेरा भारी। तूने मुझे दी ये जिंदगी, इसलिए हूँ मैं तेरा भारी। रिगता हूँ मैं श्री चरणों में आज, मेरा जीवन प्रभु सुंदर सुमन। तेरे प्रेम में है प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। तेरे प्रेम में है प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। प्रभु, मानव की इतिहास में जो रक्षा करने के लिए मुक्तिदाता बनकर आप आए, इतिहास साक्षी है कि मानव ने मुक्तिदाता का तिरस्कार किया। ईश्वर का असीम प्रेम और मनुष्य का कृतज्ञतापूर्ण तिरस्कार आदेन बाग में आरंभित वह तिरस्कार बेतलहम में एक नया रूप लेता है, तथा नासरत और यरूशलेम से होकर कलवारी की चोटी पर पूर्ण होता है। उसका अंत वहां नहीं होता, संसार के अंत तक वह नए रूप धारण करता रहेगा।
गरसमेन की उस कराल रात्रि में प्रभु ने देखा कि आने वाली सदियों में विश्वास का युद्धों की कमी नहीं होगी। सत्य से मुंह मोड़ने वाले पेत्रोसों की कमी नहीं होगी। उनकी शिक्षा का तिरस्कार करने वाले तथा कालोचित बनाने के बहाने उसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले वेद शास्त्रियों की कमी नहीं होगी। उनकी अनुजरों को सताया और मार डाला जाएगा। बहुत से अनुयायी धार्मिक सत्ताव के सामने अपना विश्वास त्याग देंगे। अनेक विश्वासी व धार्मिक नेता सांसारिक प्रलोभनों के वश में आकर सुसमाचार के विरोध साक्षी बनेंगे। मेरे पीड़ा सहन और दारुण मरण का फिर क्या मतलब, प्रभु ने सोचा। ये प्रभु येसु, आज के इस वातावरण में आपके ये अकेलेपन हम महसूस कर रहे हैं। हम अपने अपने घर में बैठकर आज का इस पास का त्योहार भी मनाने के लिए भी गिरजाघर में जा नहीं सकते हैं। ये प्रभु, हमारे ये पीड़ा, आपके ये अकेलापन के साथ रख देते हैं। आपको ग्रहण करने के लिए, आमने सामने देखने के लिए प्रभु हम चाहते हैं। हम तरस खा रहे हैं प्रभु, जो कोरोना वायरस लोगों को सताए जा रहा है, जरूर ये आपका दंड नहीं है, आपका प्रेम है। हम निराश नहीं होंगे। ऐसे कड़ी में भी विश्वास के साथ, प्रेम के साथ हम आपकी घोषणा करते हैं, तू ही हमारा मुक्तिदाता है प्रभु। सब कुछ जानने वाला ईश्वर तू है। आपकी योजना एक रहस्य है। आपकी इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक तरफ सुदूर भविष्य में होने वाले तिरस्कार और पराजय का चित्र, दूसरी तरफ निकट भविष्य में होने वाली यंत्रणाओं का विशाल दृश्य। नबी ईसा की भविष्यवाणी जो जल्दी ही पूरी होने वाली थी, प्रभु के आंतरिक नेत्रों के सामने साकार होकर घूमने लगी, वह इस प्रकार थी। मैंने उसे देखा, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था।
परंतु वह हमारे ही रोगों को अपनी ऊपर लेता था और हमारी ही दुखों से लदा हुआ था और हमें और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेद किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का मार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सताया गया, सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदी गृह और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और वह अपने लोगों को पापों के कारण मारा गया है। ये प्रभु यीशु वास्तव में इस पल आज के इस परिस्थिति में सभी मानव जाति को, सारे संसार को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी मानवों के लिए प्रभु, विशेष रूप से जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनके मन की जो भी अवस्था है प्रभु, उनके मन का जो विचार है प्रभु, उनका मन का दुख जो है प्रभु, आप जानते हैं। उनके साथ रहे प्रभु, कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ जा नहीं सकते हैं प्रभु, आप ही जा सकते हैं। जरूर उन लोगों को प्रभु हम याद करते हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अनुशासन पालक हैं, उनको सभी को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें शक्ति दीजिए प्रभु, उन्हें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, उन मरीजों को वो ही अभी सहारा है, उनके चेहरे पे आपका दर्शन होने दे, उनके हाथ से आपकी स्वंदना दे, उन्हें आपकी स्वंदना मिले, आपके हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर प्रभु, और सभी को सौख्य प्रदान कर दीजिए प्रभु। इंसान के लिए जो कुछ संभव नहीं है, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। ऐसी एक कड़ी आ गई है प्रभु कि इंसान को असंभव हो गया है। सभी की आंखें हम आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु, आपकी करुणा दृष्टि,
आपकी दया की दृष्टि, आप दया से द्रवित भरे जाने वाला ईश्वर है। जैसे नीनवे के लोग 3 दिन वह उनका वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ते हुए राख में बैठे हुए पानी तक नहीं पी रहा था, उनके पापों के लिए वो प्रायश्चित किया। राजा और जनता, मां तक, जानवर तक ये उपवास में भाग लिया, प्रायश्चित किया। आपका मन द्रवित हो गया था प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम आपके चरणों में बैठे हैं, आपकी शरण में है प्रभु। आपका हृदय द्रवित हो जाए, ये दुनिया से ये कोरोना वायरस दूर कर दे प्रभु, निर्वीर कर दे प्रभु, सबके मन में, सबके हृदय में शांति फैला दे, सौख्य प्रदान कर दीजिए प्रभु। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आपकी दुख भोग की व्यथा के साथ में हम भी, हमारा व्याकुलता भी प्रकट करते हैं प्रभु। मां मरियम के साथ, सभी स्वर्गवासियों के साथ, सभी संतों के साथ प्रभु हम आपकी प्रार्थना, आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। बहुत सारे लोग अकेलेपन को महसूस करते हैं, उनके किसी से बात करने के लिए और किसी को देखने के लिए तक नहीं मिलता है। जैसे प्रभु आप वेदना दुख भोग के साथ साथ कोड़ों से मारते मारते आपकी वेदना, एक रात पर आपको एक गड्ढे में डाल करके रखा था, अकेला आप बैठे थे, फिर भी आपकी वेदना मारे प्रति था। सभी इंसान मुक्ति पाने के लिए आप चाहते हैं प्रभु, आपके प्राण वेदना के साथ हम ये अकेले बैठे लोगों को भी आपके साथ रख देते हैं प्रभु। उन्हें भी आशीष दे आपसे बात करने के लिए, आप पर मनन करने के लिए प्रभु उन्हें भी आशीष दे। मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता, मुझसे दूर ना जा क्योंकि विपत्ति निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं, बहुत से सांड मेरे चारों ओर खड़े हैं, वे भूखे और गरजते सिंह की तरह मुझे पाठ खाने के लिए खड़े हैं। मैं मनुष्य नहीं कीट हूँ, मनुष्य द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त, मुझे जो भी देखते हैं मेरा अभ्यास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही आप उसे बचाए, यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां जोड़ जोड़ से उखड़ गई हैं, मेरा हृदय मोम की तरह
मेरे सीने में पिघल रहा है। मेरी शक्ति ठीकरे की तरह का सूख गई, मेरी जिह्वा तालू से चिपक गया। वे मुझे मृत्यु की धूल में मिलाने जा रहे हैं। कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर कड़ा है, वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और कूदते रहते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। प्रभु मुझसे दूर ना जा, तू मेरा बल है, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। भविष्य में होने वाले तिरस्कार और जल्दी ही आने वाले घोर यंत्रणाओं के साथ ही अपनी प्रिय माता को अकेली छोड़ जाने का दुख प्रभु को सताने लगा। एक अजीब प्रकार का एकाकीपन उन्हें महसूस होने लगा। भय, दुविधा और असमंजस्य की हवा उनके हृदय को चकचोरने लगी। एक और मानव मुक्ति के लिए पीड़ा सघन और क्रूस मरण को गले लगाने की तीव्र इच्छा, दूसरी ओर धार्मिक नेताओं के साथ समझौते कर अपनी मां के पास लौट जाने की अभिलाषा। इस मानसिक व्यथा के बीच थोड़ी इधर स्वांदना पाने के लिए वे अपने प्रिय शिष्यों के पास पहुंचते हैं, लेकिन वे बेसुध सो रहे हैं। उस भयंकर मानसिक पीड़ा में भी वे अपने पिता को नहीं भूलते, अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि पिता की शरण ही जाते हैं। प्रभु के व्याकुल मन के भाव हम मनन करें। हे पिता, आप चाहे तो इस प्याला को मुझसे हटा ले, फिर भी यह तेरी इच्छा मेरी इच्छा ना हो। मैं पी लूंगा, पूरे दिल से इसको पी लूंगा। इस समय प्रभु हम बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स नर्सेस अपने परिवार को छोड़कर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। प्रभु आपके ही व्याकुलता के साथ उनको भी हम ब्रेक देते हैं। प्रभु उनके परिवार, उनके माता पिता, उनके बाल बच्चे सब प्रभु आपके चरणों में है। उन्हें सभी को छोड़कर वह अपना कर्तव्य पालन करते हैं। प्रभु कोरोना वायरस लोगों को सेवा शुश्रूषा करते रहे हैं, उनके भी मन में ऐसा भय है। प्रभु आप जानते हैं, उन्हें आशीष दे प्रभु, उन्हें उस रोग से ग्रसित ना होने दे। प्रभु आपकी पवित्र रक्त उन पर बहा दे प्रभु, ताकि कोई भी वायरस उन्हें छूने ना दे। धैर्य के साथ वह मरीजों को सेवा शुश्रूषा करे। दुख भोग की वह रात
अत्यंत भयंकर थी। ऐसा लग रहा था मानो नरक का फाटक खुल गया हो और शैतान की सारी भोज धरती पर मोर्चा संभाली हो। शैतान समझ गया कि मेरा सिर अब कुचल दिया जाएगा, इसलिए वह अपनी सारी शक्ति के साथ मुक्तिदाता पर वार करता है। प्रभु के आम जीवन के आरंभ में मरुभूमि की तीन परीक्षाओं में पराजय का मुंह देखने के बाद उचित समय पर लौटने के लिए वह चला गया था। अब जबकि स्वयं पिता के प्रेम सानिध्य के अनुभव से प्रभु वंचित हुआ, चेतन कौशलपूर्वक उन्हें घेर लेता है। उसे मालूम है कि एक अंतिम लड़ाई है। शिष्यों को एक विचित्र नींद से वह बेहोश कर देता है और ईश पुत्र की प्रणित एवं एकाकी मानवता पर जोर से प्रहार करता है। उनके मन में उमड़े भय और अंतर्द्वंद शैतान का प्रलोभन मात्र थे। भयंकर प्रलोभन से लड़ते लड़ते प्रभु की रक्त धमनियां तक पट जाती हैं। फिर भी वे अपने पिता की इच्छा पूरी करने के दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं होते हैं। पिता की शरण से मुंह नहीं फेर लेते हैं। पिता के सानिध्य अनुभव से वंचित होते हुए भी प्रिय शिष्य की आलसी नींद से विदित होने पर भी मानव कुल का वह ज्योति पुत्र दृढ़चित्त होकर शैतान का सामना करता है और अपनी मानवीय स्वातंत्र्य की पूर्णता से आज्ञा पालन के लिए पिता के चरणों में आत्मसमर्पित हो जाते हैं। इस प्रकार वे आदि पिता आदम की आज्ञा लंघन का बदला चुकाते हैं तथा प्रलोभनकारी शैतान का मुंह काला कर देते हैं। तभी पिता का प्रेम कटाक्ष फिर से उन्हें प्राप्त होता है और उनका मानसिक भाव पूर्ववर्त संतुलित हो जाता है। प्रभु का वह अंतर्द्वंद हमें मुक्ति और शक्ति दिलाने के लिए था। हमें जीवन यात्रा में कई प्रकार के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। प्रभु जो लोग अपने अपने घर के अंदर बैठे हैं उन्हें भी ऐसी शक्ति दे कि वह अपने आप को संयम करे। एक दूसरे को प्यार करने का पिता की इच्छा जैसे प्रभु आपने पूर्ण किया उसी प्रकार पूर्ण करने का शक्ति सामर्थ्य मिले प्रभु। लेकर खाओ यह मेरा शरीर है, इसमें से पियो यह मेरा रक्त है। देखो कितना महा जीवन का बलिदान, लेकर खाओ जब जब हम करते भोजन, याद करे प्रभु जीवन। जब जब हम करते भोजन, याद करे प्रभु जीवन। पीड़ा सहन मरणो उत्थान, देखो ये कितना महान।
दान लेकर खाओ। रोटी देती आनंद जीवन, यही है दूधों का भोजन। रोटी देती आनंद जीवन, यही है दूधों का भोजन। सारी दुनिया के पापों का मोचन। देखो ये कितना महान जीवन का बलिदान, लेकर खाओ यह मेरा शरीर है, इसमें से पियो यह मेरा रक्त है। देखो ये कितना महान जीवन का बलिदान, लेकर खाओ। हे प्यारे प्रभु येसु, आपने मानव जाति से इतना प्यार किया कि उनके लिए आपने अपने आप को क्रूस पर अर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, आपने अपना शरीर एक छोटी सी रोटी के रूप में हमें अर्पित किया। हे प्यारे प्रभु येसु, आपकी ये दिव्य उपस्थिति हमें अनुग्रहित करती है। हे प्यारे प्रभु येसु, आपने अपने प्यार को प्रकट करने के लिए एक छोटी सी रोटी में उपस्थित होकर हमारे सम्मुख आए हैं। प्रभु, आपकी इस पावन उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु येसु, आज के दिन आपने पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना की। इस महान दिन में आपने अपने शरीर को एक रोटी के रूप में अपने शिष्यों के साथ बांटे और अपने रक्त को उन्हें अर्पित किया, और आपने इस तरह पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना की। हे प्यारे प्रभु येसु, आपने कहा इसे लेकर खाओ, यह मेरा शरीर है, और उसके बाद अपने रक्त को दिया और उन्हें देते हुए आपने कहा यह मेरा रक्त है, इसे पियो और यही मेरी याद में किया करो। हे प्यारे प्रभु येसु, वही यादगार हम हर यूक्रिस्त में करते हैं। हे प्यारे प्रभु येसु, इस तरह आपने अपने प्रेम को प्रकट किया है। इस महान प्यार के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हे प्यारे प्रभु येसु, इस प्यार की गहराई को अनुभव करने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम तेरे और करीब आ जाएं। जितना आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, उतना ही हम आपको प्यार कर सके, अपने आप को पूर्ण रूप से आपको दे सके, अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान दे सके। हे प्यारे प्रभु येसु, आपके लिए हम अपने जीवन को अर्पित करने के लिए प्रभु शक्ति प्रदान कर। जो सेवा भाव आपने अपने शिष्यों को दिखाया था,
वह सेवा भाव की भावना हमारे हृदय में भी डाल दे प्रभु, ताकि हम भी दूसरों की सेवा कर सके। हे प्यारे प्रभु येसु, आपकी वह सेवा भावना को याद करते हुए हम विशेषकर प्रभु आज के इस संसार में जो लोग दुख पीड़ा सह रहे हैं, विशेषकर कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हे प्यारे प्रभु येसु, उनके दुख तकलीफ में हम अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं उनके लिए प्रभु, कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हे प्रभु येसु, जो उनकी सेवा में लगे हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि वे भी अपनी सुरक्षा रखते हुए आपके लोगों को, विशेषकर बीमार लोगों की सेवा सच्चे हृदय से कर सके, सेवा भाव से करते हुए अपने कर्तव्य को कर सके। हे प्यारे प्रभु येसु, जो लोग अपनी इच्छा से उनकी सेवा के लिए आगे आए हैं, उन्हें भी प्रभु आप शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, ताकि वे आपकी सेवा भावना को अपनाते हुए आपके कार्य को, आपके सेवा कार्य को अच्छी तरह से कर सके और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण दे सके। हे प्यारे प्रभु येसु, जो लोग पीड़ित हैं उन्हें भी प्रभु आप अपना अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि वे आपसे दया पाकर आपका अनुभव कर सके प्रभु, आपके उस महान प्यार को अपने जीवन में अनुभव करते हुए वे एक सुरक्षा पा सके। हे प्यारे प्रभु येसु, इस पावन पल में हम सभी पुरोहितों, भाई बहनों, भाइयों को याद करते हैं जो आज अपना त्यौहार मनाते हैं। हे प्रभु येसु, जब आपने यूक्रिस्त की स्थापना की तो उसे लगातार आगे जारी रखने के लिए आपने पुरोहिताई अभिषेक की भी स्थापना की। हे प्यारे प्रभु येसु, संसार के सभी पुरोहित भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके दुख तकलीफ में, उनके अकेलेपन में, उनके रोगों में, उनकी ज़रूरतों में प्रभु आप आ जाइए। उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है प्रभु, उसे दूर कीजिए। जो भरोसा उनने आप पे रखा हुआ है प्रभु, उस भरोसे को आप और मजबूत कीजिए प्रभु, अपने प्यार से उन्हें भर दीजिए, ताकि वे इस सांसारिक मोह माया में ना फंसे, बल्कि आप में ही सब कुछ अपना पा सके। जो प्यार, जो दिलासा और जो बातों के लिए वो तरसते हैं, वो सब कुछ आप में ही पा सके प्रभु। हे प्यारे प्रभु येसु, सभी पुरोहित भाइयों को आप अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि वे आपके कार्यों को अच्छी तरह से करते हुए, आपके मार्ग पर चलते हुए सारी कलीसिया को मार्गदर्शन कर सके, अपनी अगुवाई दे सके। हे प्यारे प्रभु येसु, जो लोग गांवों में है, दूर इलाकों में फंसे हुए हैं प्रभु येसु, आपके कार्यों को करने के लिए वे सभी जगह जाकर घोषणा करते हैं, आपके वचनों को फैलाते हैं प्रभु, उन्हें आशीष प्रदान कीजिए, ताकि वे इस संकट की घड़ी में, जहां यूक्रिस्त सबके साथ नहीं कर सकते प्रभु येसु,
वे अपने घरों में बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु, वे जहाँ कहीं भी है उन्हें और आध्यात्मिक रूप से आपकी ओर आकर्षित कीजिए प्रभु, ताकि वे अपनी शक्ति से आपके प्यार को दूसरों तक फैला सके, और जब वे अकेले यूक्रिस्त की सेलिब्रेशन करते हैं तब वे सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हुए उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु यीशु वे आपके और भी पास आए। हे प्रभु यीशु, उनके कर्तव्यों को करने के लिए आप उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु, आपकी वह सेवा भावना वह पवित्रता उन्हें प्रदान कीजिए, ताकि वे सेवा भाव के कार्य करते हुए अपनी पवित्रता को बनाए रखें और एक पवित्र जीवन जीते हुए दूसरों को एक अच्छा उदाहरण दे सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, सभी पुरोहितों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं आज विशेषकर जब वे अपना त्यौहार मना रहे हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, उन्हें अपने कार्यों को करने के लिए शक्ति व सामर्थ्य दीजिए प्रभु। जो अपने जीवन में दुखी हैं, निराश है, उन्हें भी प्रभु आप आशीष दीजिए, ताकि वे दूसरों को आशा दे सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, वह अपनी आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण कर सके। प्यारे प्रभु यीशु, इस महान दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, जब आपने अपने शिष्यों के पैर धोए, वह यही दिन है। हे प्यारे प्रभु यीशु, जिस तरह से आपने विनम्रता का पाठ हमें पढ़ाया है, वह विनम्रता हमें अपने जीवन में जीने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु, कि हम विनम्रता के साथ अपने जीवन को जी सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप गुरु होकर भी आपने अपने शिष्यों के पैर धोए और हमें विनम्रता का पाठ सिखाया है। हे प्यारे प्रभु यीशु, उस विनम्रता को अपने जीवन में लाते हुए अपने जीवन को जीने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। हमारे दैनिक जीवन में जब कभी हम विनम्र ना होकर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं प्रभु, उन सभी घड़ी के लिए, उन सभी क्षणों के लिए प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें विनम्रता जो आपने सिखाई है उसे अपने जीवन में प्रयोग में लाने के लिए, उस पर चलने के लिए प्रभु हमें शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करें वह आपकी इच्छा के अनुसार कर सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे हृदय में वह इच्छा प्रदान कीजिए प्रभु, कि हम
विनम्रता के साथ अपने जीवन को जी सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीते हुए, दूसरों को एक अच्छा उदाहरण देते हुए, हे प्रभु यीशु, आपकी इच्छा को पूरी करते हुए यह जीवन जीने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। जिस तरह माता मरियम विनम्रता के साथ अपने जीवन को जी और सदा पिता परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा की, हे प्यारे प्रभु यीशु, आपने भी अपने जीवन में पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरे किए और अपनी इच्छा को इस पिता के हाथों में समर्पित कर दिए। हे प्यारे प्रभु।